लाख रुपए में शुरू करे खुद का ये व्यापार, हर माह कमाए गारंटी से लाखों रुपए। जानने के लिए पढ़े ये खबर। मथुरा, यदि आप बेरोजगारी से परेशान हैं और कुछ लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि 2-3 लाख रुपए में क्या होता है, लेकिन आपको बताते हैं एक ऐसे व्यापार के बारे में जिसमें आप 3 लाख रुपए लगाकर हर माह लाखों रुपए की कमाई करेंगे। यह व्यापार है मधुमक्खी पालन का। यह है व्यापार। सर्दियों के दिनों में शहद की डिमांड अधिक बढ़ जाती है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग मधुमक्खी का पालन किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन में कम खर्चा और आमदनी अधिक होती है, इसलिए मधुमक्खी पालन अच्छा काम है। इसके साथ ही लोगों को अच्छा शहद खाने के लिए मिले पाता है। छात्रा क्षेत्र के परखम से बसई बुर्ज जाने वाले मार्ग पर मधुमक्खी पालन बड़ी संख्या में होता है। इतना आता है खर्चा। अनिल कुमार ने बताया कि सर्दियों के दिनों में ही मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और कम खर्च में अधिक मुनाफा 2 से 3 महीने में ले लेते हैं। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत 100 डॉक्स से की जा सकती है और एक डॉक्स में 10 प्लेट होती है जिन पर मधुमक्खी अपना शहद फूलों से लाकर जमा करती है। तकरीबन 100 डॉक्स का जो खर्चा आता है वह 3 लाख रुपए का होता है, लेकिन शहद की आपूर्ति हर माह लाखों रुपए में हो जाती है जिससे बड़ा मुनाफा होता है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार भारद्वाज। अनिल कुमार जी, ये जो शहद आप निकाल रहे हैं, क्या प्रक्रिया है इस शहद निकालने की? किस तरह से इस शहद को तैयार कराया जाता है? देखिए, इस शहद को मधुमक्खी स्वयं तैयार करती है, हैं उसकी देख रेख हमारे ये बच्चे करते हैं, हम करते हैं। उसके बाद जब माल तैयार हो जाता है तो हम इनको छत्तों को वहाँ को झाड़ने के बाद यहाँ लाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो छत्ते हैं, जैसे ये छत्ता है, ये हिस्सा जो है ये शहद का हिस्सा है और ये जो स्पॉट आपको दिख रहे होंगे ये मक्खी शहद को सील्ड कर रही है। तो जब हम शहद को शहद में निकालते हैं तो इसको जो है ऊपर से छीलते हैं, जैसे कि कागज़ उतार दिया हो, जिससे कि इस छत्ते के होल खुल जाएंगे। होल खुलने के बाद इसको हम इस मशीन में डालते हैं और मशीन को जब घुमाते हैं तो उसमें हवा का एक प्रेशर बनता है। हवा के प्रेशर से शहद जो है मशीन के अंदर चला जाता है और बाकी हमारी ये पूरा जो छत्ता है ये बच जाता है और इसको हम दोबारा से मक्खी को काम करने के लिए देते हैं। एक बॉक्स में ये इस तरह के जो आप प्लेट लगाते हैं वो कितनी प्लेटें लगाते हैं और एक बॉक्स से कितना शहद आपको प्राप्त होता है? एक प्लेट में 1 से लेकर 10 तक छत्ते होते हैं, प्लेटें पड़ती हैं। जैसे जैसे मक्खी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्लेटों की ज़रूरत पड़ती है और हम 10 बनाते हैं, 10 प्लेट डाल के एक बॉक्स तैयार करते हैं। यदि सीजन अच्छा चल रहा हो, मौसम भी बाहर से सही हो, तो लगभग 2.5 से 3 किलो 4 किलो तक शहद एक बार में दे देते हैं बॉक्स। किस मौसम में शहद का उत्पादन ज़्यादा होता है आप? ये शहद जो है सरसों पर ज़्यादा, यानी ये मौसम, हाँ ये समझ लीजिए नवंबर के बाद जो है और ये फरवरी तक लगभग सरसों का सीजन रहेगा और इसमें जो है